गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा गेट अनरेडी विथ मी वीडियो, जिसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मेरा क्विक मेकअप रिमूवल और मेरा स्किन केयर। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसा होने वाला है ये आज का वीडियो, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। बट उससे पहले मेक श्योर जरूर कर लें कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स क्लियर करना चाहूँगी। पॉइंट नंबर वन, वैसे तो ये सारे ही प्रोडक्ट मैं बहुत बार आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ और ये पॉइंट भी मैंने बहुत बार आप लोगों के साथ शेयर किया है, बट फिर भी मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि अगर आप किसी भी न्यू स्किन केयर प्रोडक्ट को पहली बार यूज़ करने जा रही हैं तो पैच टेस्ट जरूर कर लें, जिससे कि ये चीज़ क्लियर हो जाए कि प्रोडक्ट आपकी स्किन के लिए सूटेबल है या नहीं। और दूसरी बात यह है कि प्रोडक्ट हमेशा वही यूज़ करें जो कि आपकी स्किन के लिए बेनिफिशियल हो। ऐसे भी अपने जो स्किन केयर प्रोडक्ट हैं उन्हें डेली चेंज मत करिए। मैं अपने हर स्किन केयर वीडियो में अलग अलग वीडियो शो करती हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं और मैं वही प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ और वही प्रोडक्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जो कि मेरी स्किन के लिए सूटेबल हैं। जो प्रोडक्ट मेरी स्किन के लिए सूटेबल नहीं होते हैं मैं उन्हें कभी भी यूज़ नहीं करती हूँ, ना तो ऑन कैमरा ना ही ऑफ कैमरा। तो आई थिंक मैंने सारी बातें क्लियर कर दी हैं। अब स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। और सबसे पहला प्रोडक्ट है या सबसे पहला स्टेप है मेकअप को रिमूव करना। उसके लिए मैं यूज करने वाली हूँ पॉन्ड्स का ये विटामिन माइसला वाटर, जो कि है ब्राइटनिंग रोज फ्लेवर में और ये है ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल। इसका प्राइस है 125 रुपीज और इसमें आपको 105 ml की प्रोडक्ट क्वांटिटी मिलती है। वैसे तो ये मेकअप को बहुत अच्छे से रिमूव कर देता है, बट अगर आपने वाटर प्रूफ मस्कारा अप्लाई किया है तो आपको इसे शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये वाटरप्रूफ मस्कारा को उतने अच्छे से रिमूव नहीं करता है, तो इस बात का ध्यान जरूर रखें। तो चलिए देख लेते हैं कि मैं अपना मेकअप कैसे रिमूव करूंगी और मेकअप रिमूव करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। चुका है और यहाँ पे मैं एक पॉइंट जरूर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि मस्कारा को रिमूव करने के लिए मैं हमेशा आजकल यूज़ करती हूँ डाबर का ये बादाम वाला तेल, क्योंकि मैंने पहले ही आप लोगों के साथ शेयर कर दिया कि इससे मस्कारा जो है वो रिमूव नहीं होता है, इसलिए मैं यही यूज़ करती हूँ अपने मस्कारा को रिमूव करने के लिए। अब बारी आती है फेस वॉश की। तो फेस वॉश के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ गुड वाइब्स प्लस का ये टी ट्री ऑयल प्लस ओली बेसिल ब्लैक हेड रिमूवल प्लस एंटी एजिंग फेस वॉश, जो कि है पैराबेन फ्री और क्रूल्टी फ्री। इसका प्राइस है 215 रुपीज और ये फेस वॉश ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। आपकी स्किन कोई सी भी हो आप इसे इजीली यूज़ कर सकती हैं और आज मैं यही फेस वॉश यूज़ करने वाली हूँ अपने लिए। फेस वॉश के बाद बारी आती है स्क्रब की, और स्क्रब के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ हिमालय का प्यूरिफाइंग नीम स्क्रब, जो कि है ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल। और मैंने बहुत बार आप लोगों के साथ शेयर किया है कि फ़िलहाल मुझे अपने फेस के लिए यही स्क्रब सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, या फिर मैं DIY स्क्रब यूज़ करना ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि मार्केट में जो स्क्रब हैं उनमें ज़्यादातर तो ऐसे स्क्रब हैं जिनमें स्क्रब पार्टिकल्स बहुत बड़े हैं, तो वो आपकी स्किन को हर्ट कर सकते हैं, इसलिए जेंटल स्क्रब यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है।
और स्क्रब के बारे में मैंने बहुत बार आप लोगों के साथ शेयर किया है कि अगर आपके फेस पे पिंपल हो तो स्क्रब ना करें या उस एरिया को अवॉइड करें। तो फिलहाल मुझे यहीं पे एक, ये तो ठीक हो चुका है लेकिन ये एक पिंपल है तो मैं उस एरिया को अवॉइड करूँगी। और स्क्रब आपको वीक में सिर्फ 2 से 3 बार ही यूज़ करना है, बस उससे ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। स्क्रब वॉश कर दिया है और नेक्स्ट स्टेप होता है फेस पैक का, बट मैं फेस पैक नहीं यूज़ करने वाली हूँ, मैं डायरेक्ट यूज़ करूँगी मेरा टोनर। और ये है वादी हर्बल का प्योर रोज वाटर और ये पैराबेन फ्री है, तो आप चाहें तो आप इसे इजीली यूज़ कर सकती हैं क्योंकि ये पैराबेन और अल्कोहल दोनों से फ्री है। तो मैं इसे थोड़ा सा अपनी स्किन में अब्जॉर्ब होने दूंगी और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है हम उसे फॉलो करेंगे। नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी लिपिड्स की ये रिस्टोर स्किन बैरियर क्रीम और ये ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। इसका प्राइस है 199 रुपीज़ और ये क्रीम पैराबेन फ्री है तो मैं इसे एज ए मॉइस्चराइज़र यूज़ करने वाली हूँ और इसके बाद मैं कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं करूँगी। बंद नहीं हो रहा है मुझसे। इसके बाद मैं कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि ये काफ़ी अच्छे से मेरी स्किन को मॉइस्चराइज कर देता है तो मेरे लिए इनफ है। वैसे ये क्रीम भी पैराबेन फ्री है। आप अपना फेवरेट कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकती हैं जो भी आपको पसंद हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सेम प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए लेकिन एक मॉइस्चराइज़र यूज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहे आपकी स्किन कोई भी हो, चाहे आप ऑयली स्किन में हो आते हो या ड्राई कॉम्बिनेशन सेंसिटिव किसी भी स्किन टाइप में आप आते हो, आपके लिए मॉइस्चराइज़र यूज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जब भी आप मॉइस्चराइज़र अप्लाई करें उसे अप्लाई करके छोड़ ना दें, हल्का सा उसे मसाज करें जिससे कि वो आपकी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाए और अपना काम अच्छे से कर सके। अब आई आती है लिप्स की, तो लिप्स को भी थोड़ा सा हील रिपेयर और प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है तो उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लिप्स का ये लिप बाम जो कि आता है SPF के साथ। और ये लिप बाम पैराबेन फ्री है और कलर फ्री भी है तो स्किन सॉरी लिप जो हैं वो बिल्कुल भी फटेंगे नहीं और प्रोटेक्टेड भी रहेंगे। वैसे इस लिप बाम का जो हाइड्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमारा जो क्विक सा स्किन केयर है वो कंप्लीट हो चुका है, हमने मेकअप भी रिमूव कर लिया और हमने अपना क्विक सा स्किन केयर भी कर लिया है। अगर आप डे टाइम में ये स्किन केयर रूटीन फॉलो कर रही हैं तो आप इसके बाद सनस्क्रीन यूज़ कर सकती हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं सनस्क्रीन यूज़ नहीं करने वाली हूँ क्योंकि मैं इस क्रीम को अप्लाई करने कम से कम 15-20 मिनट तक कोई भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं करती हूँ। फिलहाल ट्राई तो यही करती हूँ कि इसके बाद मैं कोई भी प्रोडक्ट यूज़ ना करूँ, तो अभी फ़िलहाल मैं कोई भी प्रोडक्ट नहीं यूज़ करने वाली हूँ। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो, आपने एंजॉय किया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें जिससे कि आपको मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम्स मिल जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड टेक केयर, बाय।